क्या नाम है आपका? सादिया लियाकत। आपका क्या नाम है? इस्पार्शल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? किधर है स्कूल आपका? वो सामने। तो यहाँ से कैसे गुजर के जाते हो? ईंटें रखी होती है। कपड़े गंदे नहीं होते? थोड़े बहुत हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो स्कूल में नहीं कोई कहता टीचर के यार कपड़े गंदे करके क्यों आए हैं? किसी ने नहीं पूछा? ये मासूम बच्चे हैं, ये इन्हीं जगहों से होके स्कूल गुजरते हैं, इसी सड़क से होके स्कूल जाते हैं ये, और ये सिचुएशन है। हम सेहत की बात करें और सेहत की सहूलियात की बात करें, उसके साथ ये चीज़ें भी इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि ये सेहत के साथ जुड़ी हुई हैं। नैन सुख का इलाका यहाँ, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सियासत को कहा जाता है कि सियासत नाम है खिदमत का, लेकिन इस वक्त सियासत में खिदमत कहीं भी नज़र नहीं आ रही। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बोर्ड लगा दिए हैं देखिए ना, एक गवर्नमेंट पार ऊपर लगा गवर्नमेंट होमियो डिस्पेंसरी। देखिए अभी अभी मैं आपको बात बताऊँ, अभी इस वक्त देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन दीज डिस्पेंसरीज ऑल्सो, और इसके ऊपर जो पिछली हुकूमत गई है उन्होंने ऑलरेडी इनको डाइंग कैडर डिक्लेयर करके गए हैं। आप जब आते हैं तो जो पॉलिसीज बनी हुई होती हैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, उनको आपको स्टडी करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अभी तो हम बैठ के, यानी मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था टू नंबर वन रजिस्टर रोल के कौन कौन सी हमारे पास अदारे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं। आप देखें पिछले दिनों में अभी जो 7,000 डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये इनका इनकी नसीब लटके हुए था पिछले 2 महीने से, आपको पता है। कोई नोबडी वाज लिस्टिंग जो 3 महीने से अगर आए हैं, तो हमने आके आते साथ शुरू किया कि ये जो पक्के डॉक्टर्स हैं इनको मेहरबानी करके भिजवाएं। इस बजट के अंदर मैंने पैसे लिए दिस कमिंग बजट, बिकॉज दिस बजट हैज टू पे फॉर देम। मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे पैसे दिए हैं, हालांकि ये लोग इस चीज़ को डिले इसलिए कर रहे थे कि जब आपके पास एक पक्का नौकर मुलाजिम लगता है तो फिर पक्के मुलाजिम की पेंशन का भी ख्याल करना पड़ता है। देवर डिलेइंग इट क्योंकि इन लोगों ने अपने अलले तलल्लों में पैसे खर्च किए हुए थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी जो कार्ड्स जाने आप देखें ना, आप चाहते हैं हम क्या करेंगे, हम इंश्योर करने लगे कि इमरजेंसीज जो हैं दे बिकम मोर रोबस्ट, एंड दिस इज आवर कमिटमेंट इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इमरजेंसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस वक्त एक नोटिफिकेशन निकाली गई है उस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। वजह यह है कि पहले तो आपको पता है कि तहसील हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पर मरीज पहुंचता था और उसको रेफर कर दिया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी होता था। अब एक नोटिफिकेशन चली गई है कि कोई मरीज नहीं रेफर होगा किसी तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जब तक कि जो स्पेशलिस्ट कंसर्नड है वो उस पर आके नोट नहीं लिखेगा कि ये मरीज मेरे बस से बाहर है, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब वहां पे डॉक्टर्स होंगे? जी क्यों नहीं है, क्योंकि पहले मासी भी नहीं रहता डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स हैं। आपने उन डॉक्टर्स से काम नहीं करवाया, आपने उनकी मॉनिटरिंग नहीं की, आपने उनको चेक नहीं किया, आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की। हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो चेक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आफ्टर ऑल दिस इज द वर्क दैट आई हैव टू डू टू इंश्योर कि डॉक्टर्स मौजूद हो। ठीक है, अब मकसद ये है, नंबर वन ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप इस बात पे अब हमारे रेफरेंस कंपैरेटिवली ना होने के बराबर हो गए हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट में लोग इस वक्त लगे हुए हैं उन्होंने अपना काम प्रॉपरली शुरू कर दिया। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमने जो हाजिरी का सिस्टम है ना उसको भी रोबस्ट कर दिया, राइट डाउन टू अ लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो सब जगह अब लेकिन उसको कोई देखता नहीं था ना। अभी जो बाहर बंदा बैठा हुआ आप कहिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने हाजिरियों की लिस्टें मंगाई हैं अपने सामने। अच्छा। और मैंने ये कहा कि मुझे दिखाइए कि कहाँ हाजिरियाँ कम है और कहाँ ज्यादा है, और चेक करें कि क्या वजह है। निजाम मौजूद था, निजाम चलाने वाला नहीं था। मकसद ये है, देखिए बेटा, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, आप अगर उनको इम्प्लीमेंट ना करें तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सिस्टम चलेगा। आप देखिएगा कि यही सिस्टम जो पहले नहीं चल रहा था वो इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे डिस्पेंसरीज जो कि सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, आप फिक्र ही ना करें। मैंने आपको बताया 3 महीने, मैंने 3 महीने का इसलिए कहा था, मैं इमरान खान साहब ने, हमें 3 महीने लगेंगे टू रजिस्टर एवरीथिंग एंड सी टू इट व्हाट हैज बीन डन। नाज़िम, लाहौर में कुल 37 BHUs यानी बुनियादी सेहत के जो मराकज है वो बनाए गए हैं। दुनिया ग्रुप की खबर के मुताबिक 33 ऐसे BHUs हैं जहां पर जिनकी हालत ज़ार बहुत ही खराब है। एक और BHU पे पहुंचे हैं,
ये भी शाहदरा का इलाका है, यूनियन काउंसिल नंबर 7 फैक्ट्री एरिया है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये भी इसका हाल BHU का किसी दूसरे BHU से मुख्तलिफ नहीं है। बोर्ड आप ऊपर देखें, मुफ्त हिफाजी टीकों का मरकज, और नीचे नीलाम घर का फर्नीचर। ये जगह किसकी है? सरकार की है, रेंट पे दी गई है। कौन बताएगा इसका, कौन जवाब देगा इसका? अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पहले नंबर पे है जहाँ पे नामौलूद बच्चे पैदा होते साथ ही एक माह के अंदर अंदर इस दुनिया पानी से कूच कर जाते हैं। हर 22 में से एक बच्चा जो पाकिस्तान की सरजमीन में पैदा होता है वो पैदा होते साथ ही दम तोड़ देता है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये हुक्मरान है। ताले लगे हुए हैं यहाँ पे, दरवाजे बंद हैं अंदर से। ये यहाँ पे लोगों का इलाज होता है। ये अरबों रुपए यहाँ पे लगाए गए हैं। आप हालत ज़ार अगर आप देख रहे हैं, आपके सामने है यहाँ पे छतों का क्या हाल है। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, और बिल्कुल पीछे आप देखें यहाँ पे यूनियन काउंसिल के दफ्तर खोला गया है। यहाँ पे जो मकामी हुकूमतें हैं उन्होंने अपने दफातर यहाँ पर खोल दिए हैं सरकारी जगह पे। डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? मैं जनरल काउंसलर हूँ। अच्छा, जनरल काउंसलर। जी जी सर, ये जो जगह है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जी, ये तो सेहत के मराकज है, महकमा सेहत की जगह है। जी बिल्कुल। सर आपने कैसे बैठे हुए सर? ये जो इधर यूनियन काउंसिल के ऑफिस हैं वो DCO साहब ने अथराइज किए हैं, उन्होंने अलाउड किए हैं, उनकी वजह से सारे तमाम जितने भी इनके सेंटर हैं सब के अंदर एक एक दफ्तर यूनियन काउंसिल का बना हुआ है। तमाम सेहत के महकमे जितने भी हैं, क्योंकि ये दोनों शोबे मिलके काम करते हैं। अच्छा। और दोनों के बगैर एक हो तो उसका काम ही नहीं चलता। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने जी, कि दोनों शोबे मिलके काम करते हैं। यकीन। अब मुझे सर ये बता दें जरा, अगर आपकी जरूरत हो मैं आपकी टेबल पे बैठ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पर एक तो ये वैक्सीनेटर हमारे बैठते हैं। अच्छा। वैक्सीनेटर वैक्सीन खिलाते हैं लोगों को, बच्चों को। अच्छा। तो उसके अलावा जो यूनियन काउंसिल वाले हैं वो अपना काम करते हैं, उनका काम है डेथ सर्टिफिकेट बनाना, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना और बर्थ सर्टिफिकेट। सर ये लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, दवाइयों की शॉर्टेज क्यों है? मैं अर्ज करता हूँ यहाँ पर दवाइयाँ होती नहीं है। अच्छा जी, तो सामने बिल्डिंग है जहाँ पे नीलाम घर का फर्नीचर पड़ा हुआ है। जी जी। ये किसकी जगह? ये सरकारी जगह है। कितने सालों से बैठे हैं वो? ये तो बहुत काफी सालों से बैठे। काफी सालों से आप नहीं उठा सके? नहीं, हम काफी सालों से होते नहीं हैं, हम तो अभी इलेक्ट होके आए हैं। ठीक है। और जब से हम आए हमने शोर मचाया हुआ कि उठाओ इनको, ये क्यों? और ऊपर रिहाइश किसकी है? ये ऊपर जो बंदा है सरकारी मुलाजम है, DCO साहब ने उसको लेटर बना के दिया है। हम जब वो आ रहे तो हमने मजामत की थी कि हमने इसको इधर नहीं आने देना, लेकिन उसके पास वो अथराइज लेटर था, DCO साहब ने इनको जारी किया था और बकायदा इनको अलाउड किया था। एक कमरे में यूनियन काउंसिल का दफ्तर है, एक कमरे में डिस्पेंसरी है, एक जगह पे कब्जा है, ऊपर वाली इमारत में कोई और काबिज होकर बैठा हुआ है। अभी हम एक और डिस्पेंसरी देखकर आ रहे हैं, वहाँ भी एक पुराने अफसर साहब काबिज होकर बैठे हुए हैं। वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि महकमा सुनता नहीं हमारी, महकमे को कहा गया दवाइयाँ दे, अद्वियात दे, दवाइयाँ पहुँचाई नहीं जा रही। आप कह रहे हैं दवाइयाँ दी जा रही हैं यहाँ पे। जो ये 6-7 बड़ी बीमारियाँ हैं उन बीमारियों के इंजेक्शन लगते हैं, और वो हम यकीनन उनको हर वक्त हम लुक आउट करते हैं, वो इंजेक्शन यहाँ पे लगते हैं। और जो महकमे के लोग हैं उनको डॉक्टर साहब सियासतदान आप कायल कर लेंगे, मेरे साथ जरा बाहर आए। काली खांसी, खनाक, पोलियो, नमूनिया, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार, हेपेटाइटिस, ये कितनी बड़ी जगह है सर? ये तो मेरा ख्याल है कोई कनाल के करीब हो। कनाल के करीब हो? यकीनन। और ये कनाल बनाई इसलिए गई थी कि यहाँ पे ये मरकज बनाया जाएगा? मरकज तो बना है सर। बना है एक कमरे के लिए या दो कमरे के लिए? डॉक्टर साहब मैं ये जरा सरकारी जगह देख लूँ, ये किस तरह
काबिज है। यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं है, ये सरकारी जगह है, ये सरकारी जगह है। और यहाँ पे जो यहाँ के इलाका मकीन वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इमरान जो वैक्सीनेटर है यहाँ, उसका उसने कब्जा कर लिया हुआ है यहाँ पे। खुदारा ये सरकारी ज़मीन है, ये सरकार ने यहाँ पर अपना काम करना है, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर नीलाम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लकड़ी पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़े हैं, सोफे पड़े हैं, यहाँ पे नीलाम किए जा रहे हैं। कैसी एडमिनिस्ट्रेशन रही है कि यहाँ पर कब्जा हुआ हुआ है, आपके मराकज के अंदर लोग फैमिलीज बैठी हुई हैं, ऊपर रिहाइश रखी हुई है, यूनियन काउंसिल के आपने दफातर खोल दिया, आपका डीसी साहब का कानून होगा, आपने बना दिया होगा, अलॉटमेंट कर दी होगी, लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों का इलाज होना था, यहाँ पर आपको बुनियादी जो इलाज है वो यहाँ पर देना था, जिनकी तशहीर की गई है वो उसके मुताबिक यहाँ पे इलाज होना चाहिए था। और अब जिस तरह हम यहाँ पे पहुंचे, हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है, तो यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं है, जो यहाँ पे काबिज थे शख्स, जो यहाँ पे आगे बैठे थे, जो दुकान में अपना काम कर रहे थे, वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। अब सरकार को देखना है कि आया उनके खिलाफ क्या एक्शन करना चाहिए। आप मेहनत करिए, असल पॉइंट ये कि आपके साथ जो आपका पूरा महकमा है वो साथ नहीं देगा तो काम कैसे होगा। आपके डीओ से हम रब्ता करते हैं, वो जवाब नहीं देते। हमने उनसे पूछा कि आप आपके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, लोगों की रिटन कंप्लेंट्स हैं, अवामी नुमाइंदों की कंप्लेंट्स हैं, डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स हैं, वो जवाब नहीं देते, वो आप तसल्ली वो बात नहीं करते। सारे ईडीओस आपकी उस पर प्रोग्राम पे पता, सारी ईडीओस, सारे सीईओस, जितने बंदे वहाँ कर रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट बन गई है। आपकी सरकारी ये जो बीएचयूज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इमारात हैं, इन पे कब्जे हुए हुए हैं, मुख्तलिफ महकमों के लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी आपके शादरा में नीलाम घर बना हुआ है आपके सरकारी ज़मीन पे। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। आप मुझे ये बताइए, इसका ये जो सारा कुछ हुआ हुआ है, ये सवा महीने में तो नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। ये तो ये माजी से चलता आ रहा है। हमारी तवक्कोआत डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा है कि आप देखिए ना, सवा महीने में अगर मैं सब कुछ सीधा कर दूं तो कोई मौजज़ा ही कर सकती है, मुझे वक्त लगेगा, लेकिन आप हमारी मेहनत, हमारी नियत, उसके ऊपर बिल्कुल शक न करिए। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। कल आप ही की अखबार ने, दुनिया अखबार ने एक हेडिंग लगाई, छोटी सी खबर लगी हुई थी जो किसी ने दी भी नहीं थी, आप ही के रिपोर्टर ने लगाई हुई थी कि अद्वियात सरकारी अस्पतालों में जो टर्शियरी केयर्स हैं अवेलेबल हैं इमरजेंसीज में, उसमें लिखा हुआ था कि इमरजेंसीज के हालात बेहतर हुए, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, हालात बेहतर हुए। दूसरी बात ये लिखी हुई थी कि लेबर रूम्स के हालात बेहतर हुए, उसका तो क्रेडिट दीजिए ना, एक गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से मैं समझती हूँ कि लेबर रूम्स का रोबस्ट होना कितना, तभी तो वो मजंग अस्पताल, शादरा अस्पताल, इन सारों को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे। जब ये फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे तो मरीजों के गिले शिकवे जो है इंशाल्लाह खत्म। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट करें कि 3 महीने बाद जब दोबारा हम इन इलाकों में जाएंगे तो हालात मुख्तलिफ नजर आएंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने आपको वो हुकूमत के तमाम नारे, दावे, वादे वो दिखाने की कोशिश की जो माजी में तमाम हुकूमतें लगाती रही हैं। ये भी दिखाने की कोशिश की कि जो कहा गया कि जंगी बुनियादों पे आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई, क्या कोशिश की गई वो हमने आपको दिखाया। हमने आपको BHUs दिखाए, हमने आपको फलाही मराकज़ दिखाए, हमने आपको कोशिश ये की कि जो मकामी चेयरमैन हैं उनकी बातें सुनवाई आपको, हमने वहाँ के डॉक्टर्स की बातें आपको सुनवाई, वहाँ के वैक्सीनेटर्स की आपको बातें सुनवाई, और हमने महकमे से भी बात की, कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। 112 अरब रुपए का बजट सेहत के लिए मुख्तस किया गया था, 5.5 लाख रुपए फी महीना हर मरकज को दिए जाते हैं ताकि वो आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड कर सके, फराहम कर सके, लेकिन अफसोस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। 37 BHUs हॉस्पिटल्स जो लाहौर शहर में बनाए गए वो फंक्शनल नहीं है, और अगर लाहौर शहर का ये हाल है तो सूबे का क्या हाल होगा, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। नाज़रीन, वो मुआशरा तरक्की नहीं करता जो सेहतमंद ना हो, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा मुआशरा शायद इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि हम अपने मुआशरे को सेहतमंद होने नहीं दे रहे, हम उनको उनका बुनियादी हक नहीं दे रहे। नारे, दावे, वादे, झूठे लारे, यही सिर्फ हम लगाते रहे हैं और शायद यही लगाते रहेंगे।
प्रोग्राम से सुल्तान शाह को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह देखे बाद।